दोस्तों ये है अगारू का रीगल लाइट प्लस हैंडहेल्ड प्लस स्टिक वैक्यूम क्लीनर, जो आप खड़े रहकर भी काम कर सकते हैं, बैठ के भी चला सकते हैं। हैंडहेल्ड भी है, स्टिक वाला सिस्टम भी है, कॉर्नर वाला भी है, सब कुछ है। 15 kPa की सक्शन पावर है, 700 वाट की मोटर है और बहुत ही अल्ट्रा लाइट वेट है। इस वीडियो में इस वैक्यूम क्लीनर की पूरी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या आपके घर की क्लीनिंग में ये डिवाइस काम आ सकता है कि नहीं। दोस्तों मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत चैनल और ये है एक ऐसा डिवाइस, छोटा सा है पर बहुत धांसू काम है इसके, पूरा घर क्लीन कर सकता है। हैंड हेल्ड है, स्टिक है। अगर आपको ये खरीदना है ना तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक कर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे डायरेक्टली खरीद सकते हैं। और कोई सवाल रह जाए तो एक्स थ्रेड्स इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इनबॉक्स एसेसरीज की बात करें तो सबसे पहले आपको एक मेन यूनिट मिलेगी, एक कनेक्टिंग पाइप मिलेगा, एक सर्विक्स नोजल मिलेगी, एक फ्लोर ब्रश मिलेगा, बड़ा वाला, एक छोटा वाला ब्रश वाला वैक्यूम वाला और मिल जाएगा, एक होज वाला फ्लेक्सिबल वाला पाइप भी मिलेगा आपको। पूरे डिवाइस की बात करें तो ऊपर जो मेन बॉडी है उसके ऊपर एक हैंडल भी दिया गया है और उसी में एक पावर स्विच भी दिया गया है। कनेक्टेड रॉड से जब आप इसे कनेक्ट कर लेंगे और फ्लोर ब्रश को कनेक्ट कर लेंगे तो आप खड़े होकर स्टिक की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अगर नहीं कनेक्ट करना है तो आप इसे हैंड हेल्ड छोटी मोटी चीज़ों के लिए, टेबल वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों फीचर्स की बात करते हैं एक एक करके। इसमें आपको 0.8 लीटर का बैगलेस डर्ट कंटेनर मिलता है जिसको आप इजीली खाली कर सकते हैं, भर जाएगा और क्या, और जब भर जाएगा ऑब्वियसली। एंड इसमें एक मेटल हेपा फिल्टर मिलता है जो कि डस्ट और एलर्जेंस को ट्रैप करके रखता है फॉर क्लीनर एयर। दोस्तों ये छोटा सा डिवाइस पावर हाउस है क्लीनिंग के लिए। दोस्तों अगर आप ब्रेकफास्ट के क्रम्स की बात कर रहे हो या फिर थोड़ी मोटी धूल की बात कर रहे हो, सब ये आराम से हैंडहेल्ड यूनिट के साथ क्लीन कर सकता है। दोस्तों अगर काउच पे से पैटर्न हटाने हैं तो आप ये अपहोल्स्ट्री वाला ब्रश लगा लोगे तो इसके जरिए और वैसी क्लीनिंग कर सकते हो कार में, सोफा वगैरह की। एंड कॉर्नर्स में जाना है तो आप सर्विस नोजल से कर सकते हो। एंड जो एफिशिएंसी है इसकी वो काफ़ी अच्छी है, 15 kPa के साथ में अच्छे से क्लीन करके दे रहा है, बहुत पावरफुल सक्शन है इसका। एक्चुअली में क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर्स काफ़ी बल्की होते हैं लेकिन ये बहुत हल्का है। हैंडहेल्ड प्लस स्टिक, आप इसे ऑब्वियसली लंबा कर सकते हैं, स्टिक लगा के आप इसमें सर्विस नोजल लगा दीजिए और कॉर्नर में सफाई कर दीजिए, या फिर इसको निकाल के आप हैंडल में आपको मान लो अपोजिटी ब्रश लगा के सोफ़ा क्लीन करना है या फिर सिंपल कोई होज लगा के कहीं और क्लीनिंग करनी है, तो सब इजीली हो सकता है। एंड आपको अटैचमेंट भी काफ़ी सारी मिल जाती है। कुल मिला के बात यह है कि 1899 रुपये में इतनी सारी चीज़ें मिलना ना बहुत मुश्किल है भैया। तो दिस डिवाइस इज अ ह्यूज थम्स अप फ्रॉम माय साइड, आप इसे ले सकते हैं, डेफिनेटली आपके घर में काम आएगा और आपके घर की क्लीनिंग नीड्स को खत्म करके देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट द वीडियो ऑल्सो।